दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक फाइनेंशियल एडवाइजर और इंश्योरेंस एडवाइजर का ट्रेडिशनली जो काम करने का तरीका था, और एक फाइनेंशियल एडवाइजर इंश्योरेंस एडवाइजर का मॉडर्न जमाने में जो काम करने का तरीका होना चाहिए, इसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ में देश के अलग अलग हिस्सों से बहुत ही सक्सेसफुल फाइनेंशियल एडवाइजर इंश्योरेंस एडवाइजर जुड़े हैं। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मुंबई के एक इंश्योरेंस एडवाइजर, फाइनेंशियल एडवाइजर मिस्टर समीर मेहता जी को। चलिए मिलते हैं समीर मेहता जी से, और उनके मन में इस टॉपिक को लेकर क्या प्रश्न आता है उसके बारे में जानते हैं। समीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। धन्यवाद सर। या सर, आपसे जानना चाहूंगा कि फाइनेंशियल और इंश्योरेंस एडवाइजरी की फील्ड में पुरानी रीत कैसी थी, काम करने का तरीका कैसा था? पुराने काम करने का तरीका एक इंश्योरेंस एडवाइजर, फाइनेंशियल एडवाइजर का कैसा था? तो समीर मेहता जी, मेरे को याद है कि 2006 में, 2006 में फाइनेंशियल एडवाइजरी का काम मैंने करना शुरू किया था। उस वक्त तो ऐसा होता था कि लोग जो है बिल्डिंगों के अंदर जाकर, हॉस्पिटल्स के अंदर जाकर कोल्ड कॉल करते थे, ये लोगों से मिलते थे, देखिए सर मेरा ये काम है, लोगों से कोल्ड कॉल करते थे, लोगों से बिना अपॉइंटमेंट लिए अननोन लोगों के पास में जाते थे, और वो तरीका भी जो है बहुत अच्छा तरीका होता था। ये ट्रेडिशनल वे, लोगों से किसी भी बिल्डिंग में चले गए, दरवाजा ठोक के, सर मैं जो है ये कंपनी से हूं और आपसे थोड़ा बातचीत करना चाहता हूं, दरवाजा बंद कर देगा दूसरी बिल्डिंग, सर मैं ये कंपनी से हूं, या हॉस्पिटल्स पे चले जाते थे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पे, या फिर एटीएम के बाहर खड़े होते थे, जो भी आता था उससे बातचीत करते थे। धीरे धीरे ये तरीका बदला, धीरे धीरे ये तरीका बदला, और लोगों ने जो है वो टेलीफोन पर लोगों से अपॉइंटमेंट लेना शुरू किया। तो मुझे याद है कि मैं येलो पेजेस अपने सामने रखता था और लोगों को फोन करता था और अपॉइंटमेंट मिल जाती थी। 10 10 कॉल करते थे समीर मेहता जी, 10 कॉल करते थे, उसमें से 2 3 लोग अपॉइंटमेंट दे देते थे। और ये जो ट्रेडिशनल वे है, ये ट्रेडिशनल वे, वो चलो डोर टू डोर जाना और डायरेक्ट मीटिंग करना तो एकदम ही बंद हो गया, लेकिन ये टेलीफोन कॉल पर बात करना, अपॉइंटमेंट लेना, ये तरीका जो है वो आज भी चल रहा है, ये ट्रेडिशनल वे आज भी बंद नहीं हुआ। इसको हम कोल्ड कॉलिंग कहते हैं। हाँ, कोल्ड कॉलिंग कहते हैं, कोल्ड कॉलिंग कहते हैं। तो थोड़ा सा इसमें अपग्रेडेशन ये हुआ कि पहले जो है फाइनेंशियल एडवाइजर खुद ही टेलीफोन कॉल करता था, फिर उसने थोड़ा अपने आप को अपग्रेड कर लिया, उसने एक टेलीकॉलर को हायर कर लिया, काम वही है, ट्रेडिशनल वही है। तो ये जो ट्रेडिशन, ये जो काम करने का तरीका है, इस प्रकार से ट्रेडिशनल वे का काम करने का तरीका था। लेकिन ट्रेडिशनल वे में थोड़ा सा एडवांस भी फाइनेंशियल एडवाइजर्स थे, वो अपने आप को अपग्रेड भी करते थे, वो नॉलेज भी लेते थे। तो नॉलेज किस प्रकार का लेते थे, ये ट्रेडिशनल स्टाइल बता रहा हूं आपको कि एक फाइनेंशियल एडवाइजर, इंश्योरेंस एडवाइजर जो है वो ट्रेनिंग किस प्रकार की लेता था। तो वो सेल्स की ट्रेनिंग लेता था, ये ट्रेडिशनल वे है कि सेल्स के बारे में जाना, या फिर मोटिवेशनल ट्रेनिंग लेता था, या फिर प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेता था। तो अपने आप को जो नॉलेज करता था, नॉलेज लेता था, वो नॉलेज लेने में सेल्स की ट्रेनिंग थी, मोटिवेशनल ट्रेनिंग थी, प्रोडक्ट ट्रेनिंग थी। तो इस प्रकार से अपने आप को ट्रेन करता था, और लोगों को अप्रोच करने के लिए वो जो है वो कोल्ड कॉलिंग करता था। तो ये है हमारा पुराना तरीका, जो आपके प्रश्न का उत्तर है समीर मेहता जी। यस यस यस, आपने बहुत अच्छा बताया सर कि सेल्स ट्रेनिंग लिया करता था, प्रोडक्ट ट्रेनिंग लिया करता था और मार्केटिंग का भी ट्रेनिंग लेके। हाँ मोटिवेशनल ट्रेनिंग, मोटिवेशनल, मोटिवेट मोटिवेट रहना बहुत जरूरी, ये सब चीजें बहुत जरूरी है, ये आज भी काम करती है, लेकिन कुछ और भी इस सब्जेक्ट के बारे में जानना जरूरी है, जो कि मॉडर्न अप्रोच क्या है। और उसके लिए मैं सुनील वलेचा जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। सुनील वलेचा जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये जो आपने हमारी बातें सुनी, मेरी और समीर मेहता जी के बीच में, ये बातें सुनने के बाद में आपके मन में क्या प्रश्न आता है? सर, इसमें तो जो आपने सारा बताया ही है, ट्रेडिशनल वर्सेस आज का टाइम का, क्या नया तरीका होना चाहिए आज के वक्त में टू गेट मैक्सिमम बिजनेस, वो तरीके क्या क्या अपनाना चाहिए? देखिए वलेचा जी, जैसे कि मैंने बताया कि ट्रेडिशनल वे काम करने का जो तरीका था, वो एक समय के बाद में आज वो उतना ज्यादा रिजल्ट नहीं दे रहा है, या कि यहाँ तक कि उसका रिजल्ट देने का
जो पुराने जमाने में वो रिटर्न देता था, या आज से 15 साल पहले जो रिटर्न देता था, आज वो ऑलमोस्ट नहीं के बराबर रिटर्न देता है। आज का तरीका बदल गया है। आज के यस फाइनेंशियल एडवाइजर को, इंश्योरेंस एडवाइजर को मॉडर्न अप्रोच को अपनाना चाहिए। तो उसे क्या करना चाहिए, उसे अपने वीडियोस बनाने चाहिए, अपने वीडियोस बनाने चाहिए, और अपने वीडियो को बनाकर जो भी मैसेज वो वन टू वन जाकर किसी व्यक्ति को देना चाहता था, उसे अपने वही चीज को रिकॉर्ड करके, प्रोफेशनली एडिट करके, उसे जो है अपने यूट्यूब चैनल पर डाल देना चाहिए, फेसबुक पे डाल देना चाहिए, इंस्टाग्राम पे डाल देना चाहिए। क्योंकि जहां पर पहले लोग, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, लोगों का दिमाग जो है अपने घर में होता था, लोगों का दिमाग अपने काम पे होता था, आज ज्यादातर लोगों का दिमाग जो है वो वर्चुअल दुनिया में, वो यूट्यूब में है, वो फेसबुक में है। तो एंड ऑफ द डे हमें समझाना किसको है, उसके माइंड को समझाना है, फिजिकली उसको नहीं समझाना है, उसके माइंड को समझाना है। और मॉडर्न वे, क्योंकि अब लोगों का दिमाग जो है वो वर्चुअल दुनिया में आ गया है, राइट इसीलिए मॉडर्न तरीका जो है वो अपने वीडियोस बनाकर, यू नो, वर्चुअल मैसेज बनाकर उसे हवा में भेज देना है, उसे सोशल मीडिया में डाल देना है। और वो वीडियो जो है वो पहले जो काम करने का तरीका था, जब वो अच्छा रिजल्ट देता था, यू नो, उससे आज की तारीख में 100 गुना ज्यादा रिटर्न देने की ताकत रखता है। तो पहली चीज तो क्या है, हमें वर्चुअल होना है, हमें फिजिकल नहीं रहना है, हमें वर्चुअल रहना है, अपने मैसेज को रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे डाल देना, नंबर 1। नंबर 2, पहले का जो व्यक्ति था, जो फाइनेंशियल एडवाइजर था, इंश्योरेंस एडवाइजर था, वो सीमित था सेल्स की ट्रेनिंग तक, वो सीमित था, यू नो, मोटिवेशनल ट्रेनिंग तक, वो सीमित था प्रोडक्ट ट्रेनिंग तक। लेकिन आज की तारीख में एक फाइनेंशियल एडवाइजर, इंश्योरेंस एडवाइजर को और भी कई सारी चीजें हैं जिनके बारे में जानना बहुत जरूरी है, जैसे कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में जानना बहुत जरूरी है, जैसे कि लोगों के साथ में रिलेशनशिप कैसे बनाना है उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, एक ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप कैसे बनाना है उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, जैसे कि एक फाइनेंशियल एडवाइजर को यह जानना बहुत जरूरी है कि मेरा नेचर, मेरा स्वभाव किस प्रकार का होना चाहिए ताकि मैं जो है प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट कर सकूं। एक फाइनेंशियल एडवाइजर को जानना बहुत जरूरी है कि कैसे मैं बड़े काम को कर सकूं। आज की तारीख में वो सीमित है, एक माइंडसेट के साथ सीमित है कि भाई मुझे छोटे 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 काम करने हैं, लेकिन उसे ये जानना बहुत जरूरी है कि कैसे मैं बड़े बड़े कामों को इंप्लीमेंट कर सकूं, उसके पीछे साइंस क्या है। तो बहुत सारे और सब्जेक्ट हैं जिसके बारे में एक फाइनेंशियल एडवाइजर, इंश्योरेंस एडवाइजर को जानना बहुत जरूरी है, यू नो, आज के मॉडर्न जमाने में। वही सेल्स, वही मोटिवेशन, वही प्रोडक्ट, ये सारी चीजें, अब इन सब चीजों की जरूरत है, लेकिन वो अब 10% हो गई, 90% इस मॉडर्न जमाने में चीजें और बढ़ गई हैं जिनको हमें जानना होगा, समझना होगा, ताकि हम इस मॉडर्न जमाने में, यू नो, एक तेज रफ्तार से आगे बढ़ सके। नहीं तो मॉडर्न जमाने में जो ट्रेडिशनल लोग हैं वो पीछे रह जाएंगे, और जो नया नए लोग आ रहे हैं जो कि ये सारी चीजों को अपने साथ में ले रहे हैं और मॉडर्न अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, बहुत आगे निकल रहे हैं। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर था वलेचा जी, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा आपके इस प्रश्न के लिए। और अब मैं आना चाहूंगा, यू नो, वसंत कावले जी के पास में, हाँ जिनके पास में शायद हमारी वार्तालाप को आगे लेके जाने के लिए कुछ कोई और प्रश्न होगा। वसंत कावले जी, ओटी। सर, आपने इंश्योरेंस और फाइनेंशियल एडवाइजरी के बारे में जो पुराना तरीका बताया और नई तरीके पर इस नए तरीके माध्यम से कुछ लोगों को बेनिफिट मिला होगा, इस बेनिफिट के बारे में आप कुछ बता पाएंगे? देखिए वसंत जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट भी प्रश्न है। तो ये जो नया तरीका है, जो कि हम BITV के चैनल पर बहुत सारे फाइनेंशियल एडवाइजर्स को हमने सिखाया, हमने उन्हें सिखाया कि वीडियो कैसे बनाना है, वीडियो पर कैसे बात करनी है, और कई सारे लोगों के हमने वीडियो बनाए। मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगा मिस्टर शैलेश जोशी का। बहुत सारे फाइनेंशियल एडवाइजर, इंश्योरेंस एडवाइजर उनको जानते हैं। मिस्टर शैलेश जोशी जी का हमने एक वीडियो बनाया और उन्होंने हमें, हमारे चैनल पर आकर टेस्टिमोनियल हमें दिया। उन्होंने कहा कि जो BITV ने उनको वीडियो बना के दिया, वो वीडियो उन्होंने कई सारे लोगों को भेजा, बहुत सारे लोगों को भेजा, कई सारे ग्रुप्स में डाला। और एक दिन ऐसा हुआ कि वो किसी डॉक्टर के पास में अपनी आंखों को दिखाने के लिए गए थे, उनकी आंखों का कुछ इलाज करना था, तो आई डॉक्टर के पास में गए थे जो कि बहुत बड़ा डॉक्टर था। और वो डॉक्टर जो है
उसके साथ में कोई ऐसा बिजनेस रिलेशनशिप या कोई जान पहचान नहीं, बस वो उसके पास में गए थे। और जब उस डॉक्टर डॉक्टर के पास में उनकी अपॉइंटमेंट आई तो डॉक्टर ने बोला कि अरे आप शैलेश जोशी हैं, आपका मैंने वीडियो देखा है, आप फाइनेंशियल एडवाइजरी इंश्योरेंस एडवाइजरी का काम करते हैं। डॉक्टर ने अपनी जान पहचान उनसे दिखाई और डॉक्टर ने उनसे कहा, उनका जो है आंखों का जो भी ट्रीटमेंट करना था, वो ट्रीटमेंट करने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट करना है, क्या आप मेरी उसमें मदद कर सकते हैं। और वो छोटा सा इन्वेस्टमेंट जो है वसंत जी, 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट था। उस डॉक्टर ने उन्हें 1 करोड़ रुपए का चेक दिया और वो चेक जो है वो डॉक्टर ने कहा कि मुझे किसी गवर्नमेंट स्कीम में आप डलवा दो। लेकिन फाइनेंशियल एडवाइजर इंश्योरेंस एडवाइजर ना स्मार्ट तो होता ही है, तो उन्होंने टेक्निकली उनके पैसे को जो है वो लाइफ इंश्योरेंस के किसी अच्छे प्लान में इन्वेस्ट करा दिया, अच्छे प्लान जो कि उन्हें किसी गवर्नमेंट एफडी या पोस्ट ऑफिस स्कीम से जो बेनिफिट मिलने वाला था, उसी प्रकार का बेनिफिट जो है उन्होंने लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से उन्हें दिलवाया। यानी कि उनके वीडियो ने उनको 1 करोड़ रुपए का चेक दिलाने में मदद की। और उनका ये कहना है कि आज की तारीख में जो वो मल्टीपल टीओटीज करते हैं उसमें भी उनके वीडियोस का बहुत बड़ा योगदान है। आज वो पूरे भारत देश में फाइनेंशियल इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा प्रचलित हो गए, उसमें भी उनके वीडियोस का बहुत ज्यादा हाथ। ये तो एक एग्जाम्पल वसंत जी। हमारे ऑफिस में गुजरात से एक डबल टीओटी करने वाला व्यक्ति आया जिनका नाम मिस्टर जिग्नेश पटेल है और गुजरात के अहमदाबाद शहर से वो अपने इंश्योरेंस एडवाइजरी की प्रैक्टिस करते हैं। डबल टीओटी उन्होंने किया और हमारे ऑफिस में जब वो आए तो उन्होंने बताया कि उनका डबल टीओटी होने में वीआईटीवी ने जो उनके लिए वीडियो बनाया है उस वीडियो का बहुत ज्यादा योगदान रहा, बहुत ज्यादा योगदान रहा। यहां तक कि उनका जब पहला टीओटी हुआ था उस टीओटी के होने में भी उन्होंने बताया कि मेरे जो वीडियोस बनाए और वो वीडियोस की वजह से मेरी मार्केट में जो इमेज चेंज हो गई, वो इमेज चेंज होने की वजह से मुझे आसानी से बिजनेस आने लगे। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं वसंत जी, हाँ जो यस हमें बताते हैं कि ये मॉडर्न तरीके से काम करना कितना ज्यादा बेनिफिशियल होता है। आई होप मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे पाया। डेफिनेटली कनेक्टिविटी बढ़ जाती है, जितनी कनेक्टिविटी बढ़ेगी उतना बिजनेस बढ़ेगा। एब्सोल्युटली। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा वसंत जी आपके इस प्रश्न का। और अब मैं एक बार फिर से आना चाहूंगा समीर मेहता जी आपके पास। ये जो हमारी वार्तालाप चली, इस वार्तालाप को लेकर क्या आपके मन में और कोई प्रश्न आता है? सर, आपने सुनील वलेचा जी से बात करते करते बताया कि वर्चुअल आना चाहिए, तो अभी ये दिनों में मैंने आपका बीआईटीवी का भी एक पोस्टर देखा जहाँ पे बताया गया है 3 महीने के कोर्स लॉन्च किया है जिसमें आपने लिखा है एमडीआरटी सीओटी टीओटी हो सकता है और म्यूचुअल फंड में 100 करोड़ तक का एयूएम आप खड़ा कर सकते हो। तो ऐसा क्या मैजिक होगा जो 3 महीने में के वहां तक आदमी पहुंच सकता है? तो इसके बारे में अगर आप कुछ बताएंगे तो अच्छा रहेगा। समीर जी, आपने बहुत अच्छा चीज को उठाया है। हमने जो 3 महीने का एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है वीडियो स्ट्रेटेजी प्रोग्राम, 3 महीने का ये प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम का नाम है वीडियो स्ट्रेटेजी प्रोग्राम। और 3 महीने के इस वीडियो स्ट्रेटेजी प्रोग्राम को हमने कुछ इस प्रकार से हाईलाइट किया है कि अगर कोई फाइनेंशियल एडवाइजर इंश्योरेंस एडवाइजर इस 3 महीने के प्रोग्राम को करता है तो उसके वो एमडीआरटी सीओटी टीओटी कर सकता है या 100 करोड़ का म्यूचुअल फंड का एयूएम बना सकता है। और बहुत सही आपने पॉइंट आउट किया कि 3 महीने में ऐसी क्या जादुई छड़ी चल जाएगी कि उसका जो है इतना बड़ा काम हो जाएगा। तो देखिए, एक एक फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट जो है ना समीर जी, फॉर्मेट जो है वो छोटा होता है लेकिन उस फॉर्मेट को आपको बार 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 रिपीट करना होता है आपके गोल को अचीव करने की। जैसे कि अगर कोई आपको सिखा दे, जैसे कि आपको कोई सिखा दे कि एक अपॉइंटमेंट कैसे करनी है, अब वो राइट एक अपॉइंटमेंट अगर आप करना सीख जाओ तो वही अपॉइंटमेंट आपको बार 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 करनी है। और वो जो कला आपने सीखी उस कला की मदद से आप 100 करोड़ के 1000 करोड़ का एयूएम क्रिएट कर सकते हो। आप एक टीओटी क्या 10 टीओटी कर सकते हो उस कला की मदद से। उसी प्रकार से जो मॉडर्न तरीका है काम करने का, मॉडर्न तरीका काम करने का क्या है कि आप वीडियोस बनाइए और आपको सेल्स के अलावा, मोटिवेशन के अलावा, प्रोडक्ट ट्रेनिंग के अलावा जो और नॉलेज चाहिए वो सारा नॉलेज हम देते हैं। तो हम क्या करते हैं समीर जी, हम हमारे साथ में 3 महीने तक जो व्यक्ति जुड़ेगा हम उसके लाइफ जर्नी का वीडियो हम उसको बना के देते हैं। पूरी लाइफ
जर्नी, जो उसकी कार्यकाल की जर्नी रही, वो इंटरव्यू फॉर्मेट में उसका वीडियो बना के देते हैं। इसके अलावा हम उसके एक कस्टमर को बुलाते हैं और उस कस्टमर के साथ में एक टेस्टिमोनियल वीडियो बनाते हैं इंटरव्यू फॉर्मेट, नंबर टू। इसके अलावा हम उसकी वो जो काम कर रहा है, वो जो काम कर रहा है उसमें कई सारे उसके एक्सपीरियंसेस होते रहते हैं। हर कस्टमर के पास में जाता है तो एक एक्सपीरियंस बनता है, और वो एक्सपीरियंस कई बार जो है वो दूसरों को सुनाकर अपना सेल्स क्लोज करता है, तो उस एक्सपीरियंस का भी हम इंटरव्यू फॉर्मेट में वीडियो बनाते हैं। इसके अलावा हम उसे सिखाते हैं समीर जी कि उसे इंडिविजुअली अगर वीडियो बनाना है तो वो इंडिविजुअली वीडियो कैसे बना सकता है, उसका कंटेंट कैसे क्रिएट कर सकता है, वो कंटेंट को याद कैसे रख सकता है, उसका वो शूट कैसे कर सकता है। ये सारी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे हम एक बार उसे करके दे देंगे, उसे सिखा भी देंगे, और अब यही चीजों को अब वो आगे चलकर सीखने के बाद, करके तो दे दिया, प्रैक्टिकली करके तो दे दिया, अब यही चीजों को अगर वो खुद से रिपीट करता है तो जो है उसका बिजनेस जो है वो वर्चुअली लोगों के सामने जाता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा, और उसकी एक ब्रांड इमेज बनती रहेगी, और जो है उसके लिए बिजनेस को लेना जो है बहुत आसान हो जाएगा, नंबर वन। नंबर टू, मैंने आपको बताया सेल्स की ट्रेनिंग तो ले रहा है, मोटिवेशन तो ले रहा है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग तो ले रहा है, लेकिन लोगों के साथ ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप कैसे बनाना है ये भी हम डिटेल में उसे सिखाएंगे। प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट कैसे करना है ये भी हम डिटेल में उसको सिखाएंगे। बड़ा अचीव करने के लिए क्या माइंडसेट होना चाहिए ये भी हम उसे डिटेल में सिखाएंगे। तो टीओटी करना या मल्टीपल टीओटी करना ये एक बड़ा काम है, 100 करोड़ का ईएम करना ये एक बड़ा काम है, तो ये बड़ा काम करना उसके दिमाग में पहले फिट तो हो। तो ये सारी चीजें जो है हम उसे सिखाएंगे भी, और सारी जो वीडियोस है वो उसे बना के भी देंगे, और ये जो मिक्सचर उसे 3 महीने में मिल गया इसे ही उसे आने वाले दिनों में रिपीट करते रहना है, और अगर वो सिस्टमेटिकली ये सारी चीजों को करता है तो MDRT, COT, TOT या 100 करोड़ का AUM बनाना उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा। उसके हाथ में एक छड़ी आ जाएगी, एक हथियार आ जाएगा जिसकी मदद से वो चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकता है। आई होप मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे पाया, और एक बार मैं जो है आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, वलेचा जी आप भी और बसंत सर, अंकल भी, आपसे कि और एक इस सवाल वीडियो को। पूछना चाहूंगा। जैसे आपने अभी बताया कि उसका वीडियो बन जाएगा, तो ये क्या एडवाइजर उसकी खुद की यूट्यूब चैनल या उसकी वेबसाइट के ऊपर भी लॉन्च कर पाएगा, या सिर्फ BITV के ऊपर ही रहेगा? ये जो वीडियो हम बना के देंगे बसंत जी, ये वीडियो जो है वो BITV के चैनल पे भी रहेगा, और उस वीडियो को वो अपने चैनल्स पे भी अपलोड कर सकता है, अपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, अपने खुद के यूट्यूब पे, तो वो जो है वो वीडियो जो है वो उसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी, ये बहुत BITV की बढ़िया, प्रॉपर्टी नहीं है, हम उसे दे देंगे। हाँ सुपर। अच्छा, सर, वन मोर थिंग जी आई वांटेड टू नो, समीर जी आपका हो गया तो मैं पूछूं। या बोलिए वलेचा जी, कोई प्रश्न आता है आपके मन में? हाँ सर, मेरे को यही पूछना था कि जैसे आपने बहुत ही अच्छा, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस द डिटेल्स कि व्हाट वी आर डूइंग इन कमिंग 3 मंथ्स। एक तो ये है कि ये कोर्स कब से शुरू हो रहा है, क्या टाइमिंग रहेंगे, क्या इसकी कास्ट रहेगी, ताकि कभी कोई और भी इंटरेस्टेड हो तो उनको भी मोटिवेट किया जा सके, वेदर दे आर अलाउड टू ज्वाइन या ये कोर्स करने के लिए। इस कोर्स में वलेचा जी एक चीज और, आपके प्रश्न के उत्तर पर आने से पहले एक चीज मैंने मिस कर दी आपको बतानी, वीडियोस तो बनेंगे, 3 वीडियोस हम बना के देंगे, वो भी इंटरव्यू फॉर्मेट में वीडियो बना के देंगे, और जो मैंने चीजें आपको बताई उन सब का नॉलेज हम देंगे। ये जो ट्रेनिंग है ये हर 15 दिन में एक बार, ये जो 3 महीने की जो प्रोग्राम है वो हर 15 दिन में एक बार हमारी मीटिंग होगी, 3 घंटे की मीटिंग होगी, जिसमें हम जो ज्ञान भी देंगे और वीडियोस के बारे में भी डिटेल में जानकारी देंगे। इसके अलावा हम उनका एक लैंडिंग पेज बना के देंगे, एक लैंडिंग पेज बना के देंगे जिसमें कि जो कि BITV के वेबसाइट पर होगा, उनका पर्सनल लैंडिंग पेज होगा जिसमें उनके सारे वीडियोस वो रख सकते हैं, उनके इमेजेस रखते हैं, उनके बारे में डिटेल जानकारी होगी, तो पर्सनल लैंडिंग पेज भी बना के देंगे, लैंडिंग पेज बना के देंगे, 3 वीडियोस बना के देंगे, और ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई वो सिखाएंगे। आपका प्रश्न ये था कि कब से शुरू होगा, तो जुलाई महीने से, जुलाई महीने का फर्स्ट वीक से ये शुरू होने वाला है, 3 महीने का कोर्स होगा, तो जुलाई अगस्त सितंबर महीने तक चलेगा ये, और 10:30 बजे से लेकर हर फर्स्ट और थर्ड महीने का जो पहला और तीसरा बुधवार है सुबह 10:30 बजे से लेकर ये जो है वो 1 बजे तक ये होगा, 11:30, 12:30 और 1:30 बजे तक 3 घंटे का ये मीटिंग होगा,
और अल्टरनेट वेनिसडे, महीने में 2 बार अल्टरनेट वेनिसडे 10:30 से लेकर 1:30 बजे तक होगा, और इसकी फीस हमने बहुत रीजनेबल रखी है। इतनी सारी चीजों को वलेचा जी हम सिर्फ 30,000 रुपये में दे रहे हैं, ओनली 30,000 रुपीज में ये 3 महीने का पैकेज हम एक फाइनेंशियल एडवाइजर, इंश्योरेंस एडवाइजर को दे रहे हैं। और अगर इन चीजों को, ये चीजें तो हमने दे दी, वीडियो बना के दे दिए, सब दे दिए, और ये नॉलेज जो है आने वाले दिनों में उसे MDRT, COT, TOT, और अगर म्यूचुअल फंड का भी काम करता है तो 100 करोड़ का म्यूचुअल फंड तक लेके जाने में उसकी मदद करें। यस, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अगर कोई व्यक्ति, मैं हमारे दर्शकों को बोलना चाहता हूं, अगर कोई व्यक्ति इस प्रोग्राम को रजिस्टर करना चाहता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने इस प्रोग्राम की डिटेल रखी है, इस प्रोग्राम की लिंक रखी है, उस लिंक के द्वारा आप इस प्रोग्राम के बारे में कंप्लीट और ज्यादा डिटेल भी ले सकते हैं और इस प्रोग्राम को रजिस्टर भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा आप लोगों का कि आप लोगों ने विस्तार में इस प्रोग्राम के बारे में प्रश्न पूछे और दर्शकों तक हम इसकी पूरी जानकारी दे पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।